बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है और अगर आप एक बिगनर भी हैं तो भी इसे आराम से बना लेंगे बड़ा और छोटा बनाने के लिए मैंने कई बार बताया है आ, ये जो जैकेट है ये मैंने आपको अः ये मैंने बनाई है थ्री पॉइंट फाइव एम mm एम के क्रशा हुक से बट अगर आप इसे बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो फोर एमएम mm के क्रोशा हुक से बनाएं और अगर आप इसे छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो आप थ्री एम mm एम के क्रोशा हुक से बना सकते हैं उससे भी कम बनाना चाहते हैं तो यहाँ मैंने 120 चेन में बनाया है आप 110 चेन में बनाएं और बड़ा बनाना चाहते हैं तो 130 चेन में भी बना सकती हैं योग सेम ही रहना है आगे मैंने स्टेप स्टेप पूरा बताया है है कि कैसे आपको आपको इसे बनाना है। वीडियो दो पार्ट पार्ट में में होगा फर्स्ट पार्ट में मैं आपको इसके ऊपर का पार्ट प्लस इसकी डिजाइन बता दूंगी सेकेंड पार्ट में इसकी स्लीव और आपको इसकी बटन पट्टी मिलेगी बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है मैं तो कहूंगी कि इस सीजन इस पैटर्न को जरूर बनाइए सभी आपकी तारीफ करने वाले हैं कि इसे आपने कैसे बनाया है ऊपर और नीचे के डिज़ाइन दोनों ही खूबसूरत है मैं इसे पास में दिखा देती हूँ तो ये देखिएगा ये है इसके ऊपर के डिजाइन जो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है प्लस इसके नीचे के डिज़ाइन कुछ इस तरीके से है डबल क्रोशिया में ही बनी हुई है बट डिज़ाइन कुछ अलग तरीके से बनती है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी लगती है सो आई होप आपको मेरा ये पैटर्न पसंद आएगा ये जो जैकेट बनी हुई है ये थर्टी टू चेस्ट के लिए बनी हुई है तो बड़ा छोटा कैसे बनाना है ये मैंने आपको बता ही दिया है ऊन कितनी लगनी है ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि ऊन कौन से, किस कलर की ऊन आपको कितनी लगेगी सो आई होप आपको ये जैकेट जरूर पसंद आएगी पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिए इसके बाद और भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत से प्रोजेक्ट आने वाले हैं बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो वो आपसे कभी भी मिस नहीं होंगे तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं इस खूबसूरत हाँ मैंने इस, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए टोटल 120 फंदे चेन्स ली हैं अगर आप 3.5 पॉइंट mm फाइव की क्रोशिया हुक से ही छोटा साइज बनाना चाहते हैं तो आप 115 चेन में बनाएं एक सौ बीस चेन के बाद इसमें दो चेन और ऐड करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया के लिए और ये तीन जो चेन है स्टार्टिंग की इन्हें स्किप करते हुए नेक्स्ट वन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे इस तरह से जितनी भी चेन बनी है उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है 120 चेन अगर आपने ली है तो 120 डबल क्रोशिया बन के रेडी होंगी 120 के बाद दो चेन एक्स्ट्रा मैंने फर्स्ट डबल क्रोशिया के लिए ऐड की थी पूरे में इसी तरह से डबल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे इस तरह से यहाँ मैंने पूरे में डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली अब नेक्स्ट रो के लिए दो रो के बाद हमें इसमें धागे को चेंज करना है दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सेम इसी प्लेस से पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ये दो चेन जो मैंने बनाई है वो पहली डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी पहली डबल क्रोशिया यही है जो हमने बनाई है और अब देखिएगा ये जो दो डबल क्रोशिया हैं इनमें इस तरह से नीचे की तरफ से क्रोशिया को डालेंगे और दो डबल क्रोशिया को कवर करते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे ओके okay, दो डबल क्रोशिया को नीचे की तरफ से हमने उठाया है और एक डबल क्रोशिया बना ली है एक चेन बनाएंगे फिर से इन दो डबल क्रोशिया को इस तरह से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे अगेन एक चेन हर बार डबल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाना है ताकि ये जो दो डबल क्रोशिया हम एक में ले रहे हैं उसके लिए स्पेस बन जाए एक चेन फिर से दो को एक साथ उठाएंगे और एक चेन पूरे में ऐसे ही करना है हमें और आगे से आपकी डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिखेगी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए एंड पे आ जाए एंड में जब लास्ट वाला बना लेंगे दो डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया तो चेन बना के सबसे एंड में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने स्टार्टिंग में एक बनाई थी बट यहाँ पूरा ओवर नहीं करेंगे आ, एक लूप को छोड़ देंगे और यहाँ पे दूसरे धागे को ऐड करेंगे तो आप कलर कॉम्बिनेशन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं बट अगर आप चाहते हैं एक कलर में बनाना तो एक कलर में भी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी लगती है यहाँ मैंने धागे को लगा लिया है एक चेन बना के वॉक को यहीं से टर्न करेंगे जिस स्पेस पे चेन बनाई है उस स्पेस पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और एक डबल क्रोशिया हमें चेन में बनानी है अब यहाँ पे हमें फंदों को बढ़ाना है तो फंदों को मैं हर रो में अलग नंबर्स के बाद बढ़ाऊँगी सबसे पहले आपको फंदे बढ़ाने हैं पांच डबल क्रोशिया के बाद तो यहाँ पे एक दो एक डबल क्रोशिया के ऊपर बना ली ये जो डबल क्रोशिया बनी हुई है चेस्ट इसके ऊपर एक बनानी है तीन हो गई चौथी अगेन चेन स्पेस में हो गई और फिफ्थ वन हो गई हमारी यहाँ पे अगेन डबल क्रोशिया के ऊपर तो एक डबल क्रोशिया हमें बनानी है डबल क्रोशिया के जस्ट ऊपर और एक बनानी है चेन स्पेस में यहाँ मैंने पांच बना ली है वन टू थ्री फोर एंड फाइव और अब यहाँ पे फंदों को बढ़ा लेंगे तो चेन स्पेस में बनाना है एक बनाएंगे सेम इसी स्पेस से फिर से डाल के दूसरी बना लेंगे तो इस तरह से एक फंदा बढ़ गया फिर से पांच डबल क्रोशिया बनाएंगे एक बनाएंगे डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरी चेन स्पेस में तीसरी अगेन डबल क्रोशिया पर चौथी चेन स्पेस में पांचवी डबल क्रोशिया के ऊपर और छठी पांच के बाद बढ़ाना है तो सिक्स वन में अगेन दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक और सेम स्पेस से ही दूसरी तो इस बार राउंड में आपको हर पांचवी डबल क्रोशिया के बाद मीन्स छठी डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया बढ़ा लेनी है सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए एंड तक आएंगे और एंड में बढ़ाने के बाद यहाँ पे अगर आपकी पांच डबल क्रोशिया बन गई है तो उसके बाद लास्ट में डबल क्रोशिया नहीं बढ़ेगी इसके ऊपर जस्ट एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सिर्फ एक ही बचा है मेरा तो इसमें डबल क्रोशिया बना ली अगेन दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे सेम इसी स्पेस से फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगेन एक और दो सेम पैटर्न को बनाएंगे जो हमने दूसरी रो में बनाया था तो अब सिर्फ जहाँ डबल क्रोशिया बनेगी फ्रेंड्स उसी में हमें फंदों को बढ़ाना है उसके बाद जो नीचे से उठाने वाला पैटर्न है उसमें डबल क्रोशिया उसमें नहीं बढ़ाना है कोई फंदा इन दोनों को एक साथ लेंगे नीचे से उठाएंगे एक डबल क्रोशिया बना ली एक चेन फिर से दोनों को नीचे से उठाएंगे एक डबल क्रोशिया एक चेन अगेन दो को नीचे से उठाएंगे और एक चेन बना लेंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फिर से एंड पर आएंगे वर्क एंड में अगेन एक चेन बना के जो लास्ट वाली हमारी डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनानी है बट डबल क्रोशिया आधी ही बनाएंगे दो राउंड हो चुके हैं तो अगेन यहाँ पे हमें धागे को चेंज कर लेना है ओके वाइट धागे को हटा के मैंने फिर से ऑरेंज धागा लगा लिया है दो चेन बनाएंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे सेम स्पेस से फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हमने पाँच के बाद फंदों को बढ़ाया था और अब यहाँ पे डबल क्रोशिया के बाद फंदे को बढ़ाना है एक बना ली हमने दूसरी चेन स्पेस पे तीसरी डबल क्रोशिया पे चौथी अगेन चेन स्पेस पे पांचवी डबल क्रोशिया पे छठी चेन स्पेस पे तो छः डबल क्रौा बन गई एक दो तीन चार पाँच छ और सेवेंथ नंबर पे हमें दो डबल क्रौशा बनानी है एक सेम इसी स्पेस से दूसरी तो सेम प्रोसेस को ही कंटिन्यू करेंगे इस राउंड में हमें हर सातवीं डबल क्रौा पे डबल क्रॉशा एक डबल क्रौा बढ़ा लेनी है तीन चार पाँच सातवीं वाले पे एक बढ़ा लेंगे एक और दो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए इस राउंड को पूरा ओवर करेंगे प्लस इसी के साथ ये वाला जो राउंड है हमारा दो डबल क्रोशिया को उठाने वाला सेकंड uh, uh, जो सेम कलर से बनेगा इस राउंड को भी हमें बना के रेडी कर लेना है तो ये राउंड बना लेना है और उसके बाद एक और राउंड बना के रेडी करें लेना हाँ मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए दूसरा राउंड भी ओवर कर लिया है और अब इस बार हमें अगेन uh, सात के बाद आठवें में बढ़ाना है पहले हमने पाँच के बाद बढ़ाया फिर छः के बाद बढ़ाया सातवें में और अब सात के बाद आठवें में बढ़ाएंगे सेम स्पेस से एक डबल क्रोशिया और अब सात डबल क्रोशिया बना लेंगे एक दो हो गई तीन चार पाँच छ सात सात डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली और अब जो आठवीं नंबर की आएगी उसमें हमें दो बार बना लेना है एक और दो तो इसी तरह से आपको इसमें कंटिन्यू करना है हर बार आपको जैसे पहले पाँच के बाद बढ़ाया फिर छः के बाद बढ़ाया फिर सात के बाद बढ़ाना है और इसके बाद सात के बाद जब आठ बढ़ाने का दो राउंड आपको रिपीट करना है एक बार अगर सात के बाद बढ़ाया है तो इसके बाद भी बढ़ाएंगे तो सात के बाद ही बढ़ाएंगे अब यहाँ पे हर बार आपको नहीं चेंज करना है दो राउंड आपको सात के बाद बढ़ाने हैं फिर दो राउंड आठ के बाद फिर दो राउंड नौ के बाद दो राउंड दस के बाद और दो राउंड ग्यारह के बाद और अगर आप चाहें तो तीन राउंड भी एक जैसे रिपीट कर सकते हैं जैसे अगर आठ के बाद नौवे में आपने बढ़ाया है दो राउंड में बढ़ा चुके हैं तो आप तीसरे राउंड में नौवे में बढ़ा सकते हैं तो ये आपको मेज़र कर लेना होगा अपना वर्क को थोड़ा सा फोल्ड करके देख लें चेस्ट साइज कितना आ रहा है अगर आपको कम लग रहा है तो आप तीन राउंड भी एक जैसे रिपीट कर सकते हैं और उसके बाद अपना योग साइज पूरा कर सकते हैं योग हमें बनाना है आठ से साढ़े आठ इंच के लगभग तो मैं इसमें इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए बना लेती हूँ थोड़ा फिर आपको दिखाती हूँ और मैं आपको बता दूंगी कि मैंने किस राउंड में कितना बनाया है तो वीडियो को यहीं पे ना रोके पहले वो वाला पार्ट पूरा देख लें कि मैंने किस राउंड में कितना इसमें फंदों को बढ़ाया है और मैंने टोटल कितने राउंड्स इसमें बना के रेडी लिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने टोटल इसमें बारह बार और कलर को चेंज किया है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन एंड ट्वेल्व तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में पाँच के बाद फंदों को बढ़ाया है फिर छः के बाद बढ़ाया है उसके बाद दो रो में मैंने सात सात के बाद बढ़ाया है तीन रो में मैंने इसमें आठ के बाद बढ़ाया है ओके दो रो में सात के बाद वन टू थ्री तीन रो में आठ के बाद बढ़ाया है फिर दो रो में नौ के बाद और दो रो में दस के बाद बढ़ाया है तो ये बीच में जो तीन रो में मैंने आठ के बाद बढ़ाया है आप अगर चाहें और बड़ा बनाना चाहते हैं तो दो रो के बाद आ, दो रो में आठ के बाद दो रो में नौ के बाद दो रो में दस के बाद ऐसे भी बढ़ा सकते हैं और अब यहाँ देखिएगा इस तरीके के ब्लॉग्स बन के जो एंड में रेडी होते हैं ये टोटल मेरे पास वन हंड्रेड एंड सेवेंटी टू हैं लास्ट में मेरे पास इसमें टोटल दो सौ छब्बीस फंदे हैं तो आ, दो uh, सौ बाईस फंदों में uh, एक एक करके ये ब्लॉक बनता है एक सौ चौहत्तर ब्लॉक हैं टोटल इसमें और लास्ट में किनारे किनारे ये दो इधर के निकल जाते हैं डबल क्रोशिया और दो इधर की डबल क्रोशिया निकल जाती है तो इन्हें मैंने अलग रखा है सिर्फ मैंने ब्लॉक्स को इसमें गिना है ब्लॉक्स मेरे पास टोटल इसमें हैं वन हंड्रेड एंड सेवेंटी फ़ोर तो चलिए अब इसमें इसका आम होल अलग कर लेते हैं तो पहले मैं यहाँ से ब्लॉक गिनना स्टार्ट करूँगी स्टार्टिंग के दो जो हैं उसे छोड़ दूँगी डबल क्रॉशा को इसे नहीं काउंट करूँगी ब्लॉक से काउंट करना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवेन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ये पच्चीस नंबर का ब्लॉक है तो पच्चीसवें नंबर पे यहाँ पे एक मार्कर लगा देंगे अब इसके बाद आम होल निकालेंगे तो आम होल में टोटल थर्टी एट रखना है तो पच्चीस जहाँ पे मार्कर लगाया है उसके बाद से काउंट करेंगे वन टू थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन थर्टी एट तो और ये जो पच्चीस नंबर का ब्लॉक है और जो अड़तीस नंबर का ब्लॉक है ओके देखिए ये पच्चीस जहाँ मार्कर लगाया है और ये है थर्टी एट नंबर वाला ब्लॉक इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे और मार्कर को इन दोनों में लगा लेंगे इस तरह से ठीक है सेम ही पैटर्न को दूसरे साइड भी करेंगे पहले इधर से पच्चीस ब्लॉक गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः चौबीस पच्चीस यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे और अब अगेन पच्चीस के बाद से गिनेंगे एक दो तीन चार पाँच छत्तीस अगेन ही अड़तीस नंबर वाला और पच्चीस नंबर वाला इन दोनों को आपस में एक साथ लेंगे और मार्कर को खोल के इस तरह से लगा लेंगे और अब पीछे जो मेरे पास बचे हुए हैं ये टोटल एक इधर से काउंट करती हूँ एक दो तीन चालीस पैंतालीस छियालीस सैतालीस और अड़तालीस टोटल अड़तालीस मेरे पीछे हैं पचास होने चाहिए अगर बराबर रखना है तो बट अगर पीछे थोड़ा सा कम भी है तो चल जाएगा आगे थोड़ा सा बड़ा ही होना चाहिए तो इस तरह से ये देखिएगा यहाँ मेरा आम होल अलग हो चुका है और ये मेरा इतना पार्ट बन के रेडी हो गया है और अगर ये मैं इसे मेज़र करूँ मेरा जो योग साइज है तो मैं इसे मेज़र करके भी दिखा सकती हूँ कि हो सकता है आप अगर जितने रोज़ बनाएं उतने रोज़ में ये पूरा ना पड़े आ, मेरे बराबर की रोज़ में तो मैं आपको इसमें साइज़ बता देती हूँ ये टोटल आठ इंच का आपको बना के रेडी करना है ओके आठ इंच से अगर यहाँ से देखिएगा आठ से थोड़ा ज़्यादा ही है साढ़े आठ इंच है ये तो आठ साढ़े आठ इंच के बराबर आपको इसका योग साइज़ रखना है और अगर मैं इसका चेस्ट मेज़र करती हूँ यहाँ से जहाँ से मैंने मार्कर लगाया है तो यहाँ से अगर हम इसका चेस्ट मेज़र करें तो इस मार्कर से दूसरे वाले मार्कर तक देखेंगे तो ये देखिएगा सोलह है तो ये बत्तीस और चौंतीस चेस्ट दोनों को ही आराम से आ जाएगा बट अगर आप इसमें बढ़ाना चाहते हैं तो साइड में चेन भी बढ़ा सकते हैं तो वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि कैसे इसमें चेन बढ़ाना है तो मैं 16 से थोड़ा सा चौंतीस चेस्ट के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा सा मैं इसमें चेन बढ़ाऊंगी अब यहाँ से जो वाइट कलर का धागा है फ्रेंड्स ये हटा देना है मैं इसे ऑरेंज कलर से ही कंटिन्यू करूँगी तो ये वाला धागा यहाँ से हटा देंगे सिर्फ ऑलिस ऑरेंज से ही डिज़ाइन को बनाएंगे यहाँ से हमें सिर्फ एक ही धागे को कंटिन्यू रखना है दोनों में से जो भी धागा आप कंटिन्यू रखना चाहते हैं उसे आगे के लिए कंटिन्यू करें और दूसरे वाले थ्रेड को यहीं से कट कर दें मैंने ऑरेंज कलर के धागे को कंटिन्यू किया है एक दो तीन छः के मल्टीपल में ये डिज़ाइन बनती है जो मैं बनाने जा रही हूँ तो एक आपकी डबल क्रोशिया होगी पहली दूसरा ब्लॉक वाला स्पेस होगा तीसरी फिर से डबल क्रोशिया होगी तो ये तीन मिल तीन डबल क्रोशिया का, का काम करेंगी तो फर्स्ट वन में ही जहाँ से स्टार्ट किया है वहीं पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे स्टार्टिंग में दो डबल क्रोशिया हैं तो दोनों में एक एक बना लेंगे दो डबल क्रोशिया हो गई और एक हमें बना लेनी है इस ब्लॉक में तीन हो गई अब यहाँ से देखिएगा एक एक ब्लॉक वाली और तीसरी ये एक दो तीन जो थर्ड नंबर वाली है इसमें हमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड करना है एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे नेक्स्ट वन वाली में एक डबल क्रोशिया उसके बाद जो डबल क्रोशिया है इसमें दूसरी बनाएंगे और जो ब्लॉक है इसमें तीसरी बनाएंगे फिर से एक डबल क्रोशिया एक ब्लॉक और एक डबल क्रोशिया जो थर्ड नंबर पे आएगा उसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे अगेन एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे फिर से तीन डबल क्रोशिया बनानी है तो पहली हमें ब्लॉक में बनानी है दूसरी डबल क्रौशा के ऊपर बनानी है तीसरी फिर से ब्लॉक में बनानी है और अगेन एक दो और तीन थर्ड नंबर वाले में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करना है इसी तरीके से बनाते हुए यहाँ पे एंड पे जहाँ पे मार्कर लगाया है वहाँ तक आ जाना है ओके तो यहाँ देखिएगा आगे वाले पार्ट में पूरे में मैंने बना लिया है जैसा आपको बताया सेम वैसे ही और यहाँ जहाँ पे मैंने मार्कर लगाया है वहाँ तक बनाया है और एंड पे मेरा ये तीन डबल क्रोशा वाला पार्ट बन के रेडी हुआ है उसके बाद देखिएगा ये वाला जो मार्कर लगा है इसके बाद ये जो आम होल वाला हिस्सा है इसे हम पूरा छोड़ देंगे इसमें वर्क को नहीं करेंगे इधर से जो मार्कर लगा है इसमें जो ये वाले स्पेस है यहाँ पे हमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है मार्कर को हटा देंगे और अब ये देखिए ओके okay. इस तरह से हमारा जो आम, आम होल है वो अलग हो गया है और नीचे के डिज़ाइन बन के रेडी हो गई है अगेन यहीं से कंटिन्यू करेंगे तीन चेन बनाएंगे पहले वाली ब्लॉक में एक डबल क्रोशिया एक दूसरे में फिर से एक तीसरे में एक दो तीन थर्ड वन में से ऐड कर देंगे और सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे तो जैसे इधर बनाया है अभी तक बनाया है सेम वैसे ही पूरा पीछे के साइड पे बैक साइड पे बनाते हुए यहाँ तक आएंगे मार्कर के पहले तक बना के रेडी करने के पीछे भी मैंने पूरा बैक साइड में बना लिया है और एंड पे यहाँ भी जहाँ मैंने मार्कर लगाया है उसके ऊपर वाली डबल क्रौा तक तीन डबल क्रौा बन के रेडी हुई है और अब इसे हमें ऐड करना है जस्ट इधर वाली होल वाला हिस्सा हटा देंगे और जो पहली डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जैसे पिछले बार ऐड किया था सेम वैसे ही इसमें भी ऐड करेंगे ओके फिर से यहाँ से तीन चेन बनाएंगे और सेम डिज़ाइन को आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे आगे के पार्ट के लिए वन टू और थ्री तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन जो थर्ड नंबर पे आएगा उस पे इसे ऐड कर देंगे पूरा बनाते हुए एंड हाँ, पर पूरे में मैंने सेम वैसे ही बना के रेडी कर लिया है और अब एंड में क्या करना है इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर दिया है कोशिश करिएगा कि लास्ट में आपका ये जो ट्रिपल तीन डबल क्रोशिया है वो ऐड ही हो और अब यहाँ पे एक दो तीन अगेन वैसे ही तीन चेन बनाएंगे जो फर्स्ट नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है जहाँ पे ऐड किया है वहाँ पे एक डबल क्रोशिया एक दो तीन तीन चेन बना के ये जो तीन डबल क्रोशिया बनी है इसमें जो थर्ड नंबर वाली है इसमें अपने वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे एक दो तीन तीन चेन और ये वाली देखिए अब यहाँ पे तीन चेन है तीन डबल क्रौशा से पहले हमने तीन चेन बनाई थी तो इस तीन चेन के पहले जो स्पेस है यहाँ से क्रोशा को डालना है और यहाँ पे तीन डबल क्रौा बना के रेडी करनी है बनानी सेम ही डिज़ाइन है बस अब आपको चेन पे बनानी है एक दो तीन ओके और अब ये जो तीन डबल क्रोशिया है इसे जो नेक्स्ट तीन डबल क्रोशिया है इसमें जो थर्ड वन वाली है इसमें ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद नेक्स्ट वन के लिए एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन बनाएंगे और अगेन एक दो तीन तीन जो है थर्ड नंबर वाली में इसे ऐड करेंगे तो एक बार आपको तीन डबल क्रोशिया बना के ऐड करना है और एक बार इस तरीके से चेन बना के ऐड करना है ओके एक दो तीन जब चेन बना के ऐड कर लेंगे तो वहीं से तीन चेन बना के अगेन ये जो तीन चेन नीचे की तरफ बनी हुई है इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है एक दो तीन एक दो तीन जो थर्ड नंबर वाली है अगेन इसे ऐड करेंगे तो यहाँ देखिए एक बार मैंने डबल क्रोशिया बना के ऐड किया सबसे पहले मैंने चेन से स्टार्ट किया है फिर डबल क्रोशिया बना के ऐड किया है फिर पांच चेन बनाई है फिर डबल क्रोशिया बना के ऐड कर लिया अब अगेन पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच पाँच चेन बना के थर्ड नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसमें ऐड करेंगे ओके फिर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है चेन में तो पहले तीन चेन बनाते हैं एक दो और तीन और इसके बाद यहाँ जो चेन स्पेस है इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे तो सिंपल है सेम पैटर्न को ही आपको पूरे में रिपीट करना है एक बार तीन डबल क्रोशिया बना के उसे नेक्स्ट वन में ऐड करना है और एक बार पांच चेन बना के ऐड करना है तो ये यह देखिएगा यहाँ पे जो थर्ड नंबर वाली है इसमें ऐड कर देंगे ये देखिए इस तरह का पैटर्न इसमें बनेगा एक बार इस तरह से बनेगा यहाँ पे डबल क्रोशा बना के ऐड करेंगे एक बार चेन बनाएंगे फिर एक बार डबल क्रोशा बनाएंगे फिर एक बार चेन बना के ऐड करेंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरे में हमें ऐसे ही करना है और एंड पर आ जाना जाए यहाँ मैंने पूरे में सेम वैसे ही बना के रेडी किया है और लास्ट में मेरे पास ये तीन डबल क्रोशा का पैटर्न आया है एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा इस डिज़ाइन में कि जब भी आप ये सबसे पहली वाली रो बनाएंगे तीन डबल क्रोशा को ऐड करने वाली तीन डबल क्रोशा फिर ऐड करना है तो ये देखिए यहाँ पे काउंटिंग जो इसकी होनी चाहिए वो दो के मल्टीपल में होनी चाहिए एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ तो इसे इस तरह से पूरा काउंट कर लें और एंड में आपका जो भी नंबर आए वो दो के मल्टीपल में होना चाहिए तभी आपकी डिज़ाइन बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पूरा नहीं है जैसे कि छत्तीस डिज़ाइन होनी चाहिए और पैंतीस ही हो रही है तो बैग जाके कहीं भी डिज़ाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लें बीच में एक डिज़ाइन कहीं से भी बढ़ा लें तो आपका वर्क जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा और एंड में ये तीन डबल क्रोशा वाला पैटर्न ही बन के रेडी होगा अब थर्ड रो के लिए सिर्फ इन्हीं दो रोज़ को अब हमें रिपीट करना है अब देखिएगा कैसे स्टार्ट करेंगे स्टार्ट सेम वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ पे सेकंड रो स्टार्ट की थी वैसे ही अब हमें थर्ड रो स्टार्ट करनी है तीन चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे सेम इसी प्लेस से एक डबल क्रोशिया एक दो तीन तीन चेन बनाएंगे और जो थर्ड वाली डबल क्रोशिया है यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे ओके एक दो तीन तीन चेन और अभी ये देखिएगा तीन चेन वाला पैटर्न है हमारे पास तो इसमें पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो और तीन इसके बाद ये पांच चेन वाला पैटर्न है तो इसमें जो थर्ड नंबर चेन है एक दो तीन जो बीच वाली चेन है इसमें हमें वर्क को ऐड करना है से और अब यहीं से फिर से तीन चेन बना के एक दो तीन तीन चेन बना के इधर वाली चेन अभी बची हुई है तो इसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनानी है दो तीन तीन डबल क्रोशिया बना के अगेन जो थर्ड वाला है इसमें हमें ऐड कर देना है फिर से एक दो तीन तीन चेन और अगेन अब देखिएगा एक पैटर्न में हमने तीन चेन बनाई तीन चेन में बनाया पहले उसके बाद उसको पांच चेन में बीच में ऐड कर दिया और फिर वहीं से तीन डबल क्रोशिया बना ली सेम वही करेंगे जो ये तीन चेन है इसमें पहले तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो और तीन और उसके बाद अगेन जो पांच चेन है इसमें थर्ड नंबर वाली चेन में बीच में इसे ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से और फिर से हमें तीन चेन बना के सेम इसी वाली चेन स्पेस में तीन डबल क्रोशिया बनानी है एक दो और तीन अगेन इसे ऐड करना है नेक्स्ट पैटर्न की लास्ट डबल क्रोशिया में और जब आप ऐड करेंगे तो उसके बाद ये आपको चेन पैटर्न मिल जाएगा जहाँ पे अगेन आपको डबल क्रोशिया बनानी है सेम इसी स्पेस से डालेंगे और तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन और इसे फिर से ऐड करेंगे इस चेन वाले में जो थर्ड नंबर चेन है इसमें हमें ऐड कर देना है पांच चेन में बीच में ऐड करना है सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे तो ये डिजाइन हमारी कुछ इस तरह से बन के रेडी होगी थोड़ा सा बनेगा तब आपको इसमें पता चलेगा कि डिज़ाइन किस तरीके की है तो ये पूरी रो बना लेती हूँ फिर आगे बना थर्ड रो भी मैंने पूरी ओवर कर ली है तो सेम यही दो रोज आपको रिपीट करनी है एक बार देखिए तीन तीन डबल क्रोशिया बनाते हुए आप बार बार इसे ऐड करते जाना है और दूसरी रो में जो सेकेंड रो बताई है वैसे करना है यहाँ पे एंड में भी तीन डबल क्रोशिया बना के ऐड हो गई है और अब अगेन जैसे दूसरी रो हमने स्टार्ट की थी सेम वैसे ही स्टार्ट करना है तीन चेन बना के एक डबल क्रोशिया सेम स्पेस से बना लेंगे एक दो तीन तीन चेन और थर्ड नंबर वाली में इसे ऐड करेंगे एक दो तीन तीन चेन बना के ये जो तीन चेन का स्पेस है वहाँ पे एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया नेक्स्ट वाली थर्ड डबल क्रोशिया में ऐड करेंगे सेकेंड रो में हमने बताया बनाया था एक बार तीन डबल क्रोशिया बना के ऐड किया था और एक बार पांच चेन बनाई थी तो अब यहाँ पे पांच चेन बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच और पाँच चेन को दूसरी वाली तीन डबल क्रोशिया के स्पेस में ऐड करेंगे तो जैसे हमारी देखिए यहाँ सेकेंड रो के बाद ये बीच वाला पार्ट तैयार हुआ था वैसे यहाँ भी तैयार होगा और अब आपको ये जो पाँच चेन है इसी में आपको वर्क करना होगा तीन तीन डबल क्रोशिया बना के पहले इसमें ऐड करना होगा थर्ड नंबर वाली चेन में जैसे आपने अभी थर्ड रो में ऐड किया है तो सेम ही प्रोसेस को फ्रेंड्स अब आपको रिपीट करते जाना है और पूरे में जितनी भी लंबाई आपको चाहिए अपने कार्डिगन की उसके अकॉर्डिंग ऐसे ही बनाते जाएं और अपनी लंबाई के जितना इसे पूरा कर लें तो ये देखिए एक बार तीन डबल क्रोशिया बना के ऐड करेंगे और एक बार पांच चेन तो यही दो रो जो हैं अब आपको रिपीट करते जाना है सेकेंड रो जैसे मैंने बताई है और थर्ड रो जैसे बनाई है थर्ड रो में सिर्फ तीन तीन डबल क्रोचा बना के ऐड करना है और सेकेंड रो में एक बार तीन डबल क्रोचा बना के ऐड करेंगे और एक बार पाँच चेन बनाएंगे इस तरह की कुछ डिज़ाइन इसमें बन के रेडी होगी ये एक एक पूरी लाइन चलेगी ये एक डिज़ाइन हो गई ये पूरी तीन दूसरे डिजाइन हो गई ये तीसरी डिज़ाइन ये चौथी डिजाइन ये बीच का गैप है इससे पता चल जाएगा आपकी पहली और दूसरी डिजाइन के बीच में अंतर तो इस तरह से रिपीट करते हुए अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना लें मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ तो ये देखिएगा यहाँ मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लिया है आप जितना भी लंबा चाहें इसे उतना लंबा बना सकते हैं सो so फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगी आपसे इसी के पार्ट टू में जिसमें मैं आपको इसकी स्लीव और इसका बटन पट्टी का बॉर्डर बनाना बताऊंगी तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ वेट करिएगा पार्ट टू का मैं मिलूंगी आपसे पार्ट टू में तब तक के लिए बाय थैंक यू एंड हैव